हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोनिस और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो चारा है वो बहुत ख़ास चारा है, कतला मछली का चारा है और बहुत कामयाब चारा है। आप ये चारा इस्तेमाल कीजिए, रिजल्ट बहुत अच्छा है इसका। तो चलिए दोस्तों, हम चारा बनाना शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, एक भी स्टेप मिस मत करना, इसलिए कि चारा बहुत बढ़िया चारा है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। दोस्तों, आप भी बनाइए, आपको भी रिजल्ट अच्छा मिलेगा। हाँ यार, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमें लेना है देसी घी। इसके बाद लेना है सूजी। यह है गेहूं का आटा दोस्तों, जिससे हम रोटी पका के खाते हैं, गंदम का आटा। बेसन है, चने का बेसन इसे कहते हैं। चने का बेसन लेना है हमें और गेहूं का आटा लेना है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये गेहूं का आटा है और ये है शहद। इसके बाद ये सूजी है जो हमने देसी घी में फ्राई की है। हमें इन सब आइटमों को एक जगह इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद जो है एक ये बेसन है, हमें एक दूसरे के सब में इसमें मिक्स करेंगे। इसके बाद हमें लेना है गेहूं का आटा। ये गेहूं का आटा जो है एक कप से ज़्यादा है। हमें ये ध्यान रखना है कि बेसन से ज़्यादा रहेगा। अगर एक कप जो है बेसन है तो हमें डेढ़ कप गेहूं का आटा लेना है। अगर बेसन का आटा ज़्यादा हो जाएगा तो हुक में बराबर पकड़ेगा नहीं, इसलिए कि बहुत गीला पड़ेगा, ज़्यादा पकड़ मजबूत नहीं रहेगी। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि बेसन ज़्यादा ना होने पाए। और हम इसे एक दूसरे में मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद हम लेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, उसी हिसाब से मिक्स कीजिए कि जो है पानी ज़्यादा ना होने पाए, ज़्यादा लूज ना होने पाए चारा। हम एक दो घंटे हमें शिकार करना रहता है, इसलिए कि हमें ज़्यादा वक्त मिलता नहीं है। उसी हिसाब से मैं चारा बना रहा हूँ। और आपको अगर लंबा समय तक खेलना है तो आप उसी हिसाब से ज़्यादा बना लीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसी तरह से आपको ध्यान रखना है, स्टेप मिस नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, धीरे धीरे पानी। एक साथ में अगर ज़्यादा डाल देंगे तो गीला हो जाएगा। हमें चारे को गीला नहीं, मीडियम में बनाना है, हल्का सख्त रहना चाहिए। अगर बहता पानी है तो उसमें आप चारा टाइट ही बनाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए कि ढीले चारे में ढीला चारा रहेगा तो ज़्यादा रुकेगा नहीं बहते पानी में। मैं बार बार बोलता हूँ, वो आपके ऊपर है दोस्तों, आपको किस जगह शिकार करना है। अगर आप बहते पानी में शिकार कर रहे हैं तो चारे को थोड़ा टाइट रखिए, और अगर ठहरे हुए पानी में शिकार कर रहे हैं तो चारे को मीडियम में रखिए, ताकि कुछ देर तक काम करेगा। तो जैसा देख रहे हैं दोस्तों, चारा तैयार होने को आ रहा है, लेकिन इसे खूब अच्छी तरह से गूंदना है, एक दूसरे में मिक्स होना हो जाना चाहिए अच्छी तरह से।
इसे गून लीजिए। अब इसके बाद हम इसमें लेंगे शहद, ये डाबर का शहद है, डाबर हनी शहद हमें लेना है 2 चम्मच तक लगभग। अब हम इसमें एक दूसरे में मिक्स करेंगे। ये ध्यान रखना दोस्तों, चारा पूरा सांधने के बाद ही लास्ट में आपको जो है शहद मिक्स करना है, ताकि अच्छी तरह से इसके एक एक कण में शहद का जो अरक है, जो फ्लेवर है, वो पूरे में मिक्स हो जाना चाहिए। इसी तरह आप दोनों हाथों से इसे अच्छी तरह से मसाज कीजिए, ताकि ये एक दूसरे में मिक्स हो जाए। ऐसा ना हो कि शहद कहीं और है और चारा कहीं और है। तो जैसा देख रहे हो दोस्तों, मैं दोनों हाथों को इस्तेमाल करते हुए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रहा हूँ। आप भी जब भी चारा बनाइए, आप तो जानते हैं आदमी इंसान जब जाता है शिकार खेलने के लिए, आप भी जाते हैं शिकार खेलने के लिए, तो काफ़ी समय तक रहते हैं। तो इसमें से अगर आप 2 मिनट दे दीजिए थोड़ा चारा बनाने में अच्छी तरह से, तो आपका टाइम नहीं बर्बाद होएगा। आप देख रहे हैं कितना लसाड़ है और कितना चिपक रहा है ये चारा। यही तरीका मैं आपको बता रहा था कि आप ध्यान से देखिए, देखिए कितना ये चिपकता है। ये आप हुक में लगा देंगे तो कुछ देर ये जो है हुक में रुकेगा। आप चाहे बहते हुए पानी में शिकार कीजिए, चाहे ठहरे हुए पानी में, रिवर डैम कहीं भी आप शिकार कीजिए, ये चारा हर हुक के लिए बढ़िया है। आप गुच्छे में भी इस्तेमाल कीजिए 2 हुक में, ये चारा हर जगह काम आएगा दोस्तों, हर हुक में काम आएगा। तो दोस्तों चारा तैयार है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए चारे के साथ में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर